गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग अपना रोल नंबर पोस्ट कर दें मैसेज बॉक्स में, तो अटेंडेंस हमें उससे फाइंड आउट हो जाएगा। एक दो मिनट और वेट कर लेता हूँ लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा देखे थे कि हाउ टू क्लासिफाई ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, एंड व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज द कंट्रोल, ये सब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे। तो आज थोड़ा सा उसको डिफिनेशन के साथ लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्यों होता है, हम लोग कंट्रोल सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब भी देखेंगे। और उसके बाद सिलेबस को आगे प्रोसीड करेंगे। हम आशा करता हूँ कि सभी लोग मतलब सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे। कोई ऐसा है जो सिलेबस नहीं देखे हैं, जिनको सिलेबस नहीं मिला है, तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कीजिए। गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी हमें सिलेबस शेयर कर दिया हूँ, आप वहां से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई लास्ट क्लास से किन्हीं को कुछ पूछना हो या कुछ डाउट है या कुछ बोलना हो तो डिस्कशन मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास आगे प्रोसीड करूंगा। एक मिनट जी, हाँ स्क्रीन सबको शेयर हो रहा है? यस सर। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे हाउ टू डिफाइन कंट्रोल सिस्टम, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, जो एग्जाम में आप लोग कैसे लिखोगे उसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका इसीता टाइम पर ज्वाइन किया करो क्लास, और जो लोग अभी तक रोल नंबर पोस्ट नहीं किए हैं मैसेज ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। कंट्रोल सिस्टम लास्ट में भी, लास्ट क्लास में भी हम लोग बोले थे कि एक कंट्रोल सिस्टम कुछ नहीं, मतलब कि ये सिस्टम का एक सब सिस्टम है, मतलब कि कोई सिस्टम है जिसको आपको कंट्रोल करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सब सिस्टम है और जो कि हमारा डिजायर आउटपुट को वो देता है। तो एक कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम्स एंड प्रोसेस और प्लांट्स assemble for the purpose of obtain kya a desired output। ठीक है, with
डिजायर्ड परफॉर्मेंस। डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्यों, ये हम अभी बताते हैं। देखिए डिजायर्ड परफॉर्मेंस कंट्रोल सिस्टम का जब हम लोग बात करते हैं तो दो चीज पर परफॉर्मेंस, दो परफॉर्मेंस होता है हम लोग का कंट्रोल सिस्टम में। दो तरह का परफॉर्मेंस होता है, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं एक ट्रांजिएंट रिस्पांस, एक को बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। फॉर एग्जांपल मैं कल भी डिस्कस कर रहा था लिफ्ट के बारे में। मान लीजिए कि आप लिफ्ट पर बैठे हो, लिफ्ट पर चढ़े आप लोग सभी, और ये वाला नहीं स्टेयर वाला लिफ्ट नहीं जिसमें बॉक्स वाला होता है वो, आप फोर बटन आप प्रेस किए, मतलब कि फोर्थ फ्लोर पर आपको जाना है और वो लिफ्ट बहुत स्लो चल रहा है, तो आपका क्या होगा, आपका पेशेंस ब्रेक होगा, मतलब लगेगा क्या इतना स्लो चल रहा है, इससे तो अच्छा पैदल चले जाते हैं, मतलब कि स्टेयर यूज कर लेते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत सडनली बहुत तेज से ऊपर जाने लगे तो उसमें भी आपका आपको नुकसान होने का डर लगेगा, क्योंकि जब सेक होगा या कुछ हो सकता है तो मतलब कि आप कोलाइड कर सकते हो एक दूसरे से और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पर भी आपको नुकसान हो सकता है। तो दोनों चीज मतलब कि आपका जो मूव करने का जो लिफ्ट का है वो स्पीड एक पर्टिकुलर मेंटेन होना चाहिए, कि अगर इतना भी हो तो इतना चले तो इतना पर हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा भी होगा तभी प्रॉब्लम है, बहुत कम भी होगा तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चीज है कि अगर आप फोर्थ फ्लोर प्रेस किए हो, फोर्थ के इंस्टेंट ऑफ अगर वो थर्ड और फोर्थ के बीच में रुक जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, तो हम लोग वो स्टेडी स्टेट है, मतलब फाइनल जो हमारा रुक रहा है दैट इज द स्टेडी स्टेट, तो वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। तो ये चीज हम लोग को मेंटेन करना है। तो परफॉर्मेंस दो तरह का होता है, टू मेजर परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस इन कंट्रोल सिस्टम, इसमें क्या है, फर्स्ट है ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट रिस्पांस, सेकंड है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। देखिए स्टेडी स्टेट में जो आप लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम देखते थे ना सिस्टम के लिए, फाइनल वैल्यू थ्योरम फाइंड आउट करते थे, तो वो दैट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता था। लेकिन ये ट्रांजिएंट रिस्पांस हम लोग का, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट थिंग, राइज टाइम होगा, सेटलिंग टाइम होगा, और वो सब चीज हम लोग थर्ड यूनिट में हम लोग देखेंगे, थर्ड यूनिट का जब सिलेबस देखते होंगे तो उसमें ये सब चीज है, तो वो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो लिफ्ट, मान लीजिए कि इसको मैथमेटिकली ग्राफिकली हम शो करना चाहते हैं, जो एग्जाम्पल दिए हैं हम आपको लिफ्ट का, तो आप डिजायर आउटपुट क्या है आपका, फोर्थ पे हमारा लिफ्ट रुकना चाहिए, फोर्थ पे हमारा लिफ्ट रुकना चाहिए, ये दैट इज द फोर्थ फ्लोर। आपने लिफ्ट को स्टार्ट किया, लिफ्ट स्टार्ट हुआ और लिफ्ट ये स्लो जाके अपने जाते 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 यहाँ पर सेटल हो गया, मतलब कि फोर्थ फ्लोर पर जाके ये कॉन्स्टेंट, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये कॉन्स्टेंट है, ये दिस इज वन दैट टाइम, ये आपका फ्लोर है, फ्लोर के पास ये कॉन्स्टेंट टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वो उतना ही गैप पर वो स्टे किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे हैं कि दिस वन इज द इनपुट या डिजायर आउटपुट कर सकते हैं, हमने इनपुट क्या दिया था कि फोर्थ फ्लोर हमें रुकना चाहिए, तो ये आउट, तो ये जो पार्ट है आपका यहां तक जहां तक वेरिएशन हो रहा है, दिस वन इज द ट्रांजिएंट रिस्पांस, और ये जो गैप है फाइनली दिस वन इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। यहां तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए,
स्टेडी स्टेट रिस्पांस, और सॉरी ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक दैट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पांस, और ये जो गैप है, ये टोटल जो गैप बनता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। यहां तक समझने में किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नहीं ठीक है, तो ये ओवरऑल डिफिनेशन हुआ कंट्रोल सिस्टम का, मतलब कि जिसको कंट्रोल सिस्टम का, और ये जो डिजायर परफॉर्मेंस है हमारा, देखें कि ट्रांजिएंट रिस्पांस होना चाहिए और स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ये देखिए, अब ये हम लिफ्ट की बात किए थे, तो ये जनरली जो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन होगा ना, उसमें जो रिस्पॉन्स आएगा तो ये आएगा। आप लोग को तो पहले से पता होगा ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर किसको कहते हैं, टाइप किसको कहते हैं, ये पता है ना? यस सर। ऑर्डर और टाइप पता नहीं है? यस सर पता है। पता है ना, ऐसे मैं पूछता हूं, ये कितने ऑर्डर का सिस्टम है सर? 3 ऑर्डर। टाइप कितना है? टाइप 2। ठीक है, आप लोगों को पोल्स 0 भी पता होगा? यस सर। है ना, सभी को ना, कि खाली एक ही को, एक ही रिस्पांस दे रहे हैं लोग, सभी लोगों को पता है ना? देखिए न्यूमरेटर, देखिए ये दैट वन द न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा, मतलब कि ns इक्वल टू 0, वहां से जो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू फाइंड आउट होगा दैट इज द जीरोस, और डिनोमिनेटर में जो ds इक्वल टू 0, वहां से जो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे दैट इज द पोल्स। ओके, तो टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होगा? टाइप्स ऑफ द सिस्टम इक्वल टू, समझिए, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, या रूट्स बोल सकते हैं। ओ ठीक है, तो ये सब है, तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये ऑलमोस्ट जो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिस्पांस है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए रिस्पांस है, लेकिन जब सेकेंड ऑर्डर का आपका सिस्टम आएगा, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस रहता तो ऑलमोस्ट ये, आप देखिए, मान लीजिए कि आपका डिजायर आउटपुट ये है और इनपुट भी कर सकते हैं, तो रिस्पांस जो है इसके बाद सेटल होता है। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है जो आपका आ रहा है। तो देखिए, जहां तक सेक हो रहा है टाइम के साथ, ये मतलब कि अप एंड डाउन जा रहा है, दैट इज द ट्रांजिएंट रिस्पांस। ये जो पार्ट हुआ ट्रांजिएंट रिस्पांस है, मतलब डिजायर आउटपुट से 3.3% या 5% के आसपास, 2% या 5% के गैप में अगर वो सेटल डाउन, नीचे अप डाउन आ रहा है, तो वो जो पार्ट होता है दैट इज द स्टेडी स्टेट। यहाँ पर से जो आ रहा है स्टेडी स्टेट, बस इस तरह ही बता दिए, सिर्फ और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मतलब जनरल क्वेश्चन उठता है कि कंट्रोल सिस्टम का हिस्ट्री क्या है, कंट्रोल सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट टाइम जो कंट्रोल सिस्टम कहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया, वो कोई बता सकते हैं? देखिए बहुत पहले 300 BC, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था कंट्रोल सिस्टम को लिक्विड लेवल कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि हाइट ऑफ लिक्विड लेवल का जो है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था। उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए,
तो उस समय जो यूज किया जाता था ऑन ऑफ कंट्रोलर ही यूज किया जाता था, मतलब कि हाइट ज्यादा हो गया तो ऑफ कर देना है और जैसे ही नीचे कम हो गया तो ऑन कर देना है, दैट सिंपल। वैसा नहीं है कि एक कांस्टेंट मेंटेन को किया जाए, फिर स्टीम प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल, ये सब के लिए यूज किया गया था। टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। अब है कि आप लोग का सिलेबस के अनुसार स्टडी करना है ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, दोनों का डिफरेंसेस, फिर आपको फिर जो इफेक्ट ऑफ फीडबैक, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन कंट्रोल सिस्टम, ये फर्स्ट यूनिट का में ये सब आता है। उसके बाद कुछ कुछ एक मिनट में देखा, हाँ, इफेक्ट ऑफ फीडबैक, मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंपल्स रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफर फंक्शन जो भी है, तो वो सब डिस्कस करना है। तो देखिए मैथमेटिकल मॉडल जो है आपका, फर्स्ट हम जो ये ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम जो लोग डिस्कस किए हैं तो कल, और इसके बाद थ्योरी हम थोड़ा सा लिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल मॉडल में फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पहले मैथमेटिकल मॉडल हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल बहुत बड़ा पार्ट है, उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग उसको देख लेंगे। तो मैथमेटिकल मॉडल, इस मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है ना, दो सिस्टम को दो टाइप से करना है हम लोगों को, दो सिस्टम है। सो कौन कौन सिस्टम हो सकता है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दूसरा मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर इसको दो दो टाइप से करना है, जिसमें कि एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हुआ और एक टाइम, दोनों को फ्रीक्वेंसी में और टाइम टाइम के टर्म में करना है। तो फ्रीक्वेंसी में जो हम लोग जब करेंगे तो दैट इज उस टाइम जो हम लोग को है लैपलास का यूज होना है, जैसे कि लैपलास आप लोग को अच्छे से जानना चाहिए। तो लैपलास हमको उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप लोग सिग्नल सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता हूँ। डी एफ टी का लैपलास एफ एस है, एफ टी का लैपलास एफ एस होता है, तो डी एफ टी डी टी का लैपलास क्या होगा बताइए। इनिशियल कंडीशन जीरो है तो, हेलो कोई नहीं है जी सर, वन बाय एस, वन बाय एस रॉन्ग, अनदर एस एफ एस, हाँ साक्षी बोलो क्या बोल रही थी, एस एफ एस, एस ऑफ एस, एस ऑफ एस, जब ये जब डिफरेंशिएशन होगा तो एस ऑफ एस, जब इनिशियल कंडीशन जीरो है तो, अगर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है तो डी एफ टी अपॉन डी टी एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ठीक है। और जो आप इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एफ टी डी टी रहता, दैट कंडीशन आप लोग को एफ एस बाय एस होगा जब इनिशियल कंडीशन जीरो रहेगा, तो अदरवाइज इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं रहेगा तो प्लस एफ जीरो बाय एस। ये एक हुआ, कुछ बेसिक बेसिक सब हम देख रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो कंपोनेंट यूज होगा वो कंपोनेंट रहेगा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस, इसको अगर हम लोग इम्पीडेंस के रूप में लिखना चाहें, एक्स ऑफ एल, एक्स ऑफ सी और एक्स ऑफ आर, तो एस डोमेन में क्या क्या होगा बताइए। एल को एस एल, एक्स एस, सी और आर ऑलवेज आर रहेगा, ये रिमेंबर हमेशा याद रखिएगा। ये सब चीज का आपको जरूरत पड़ेगा आगे, मतलब कि मैं सिस्टम को डिफाइन करने लगूंगा, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने लगेंगे, तो हम लोग को ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये तीन चीज यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। और अगर हम मैकेनिकल सिस्टम देखते हैं,
तो इसमें हम लोग को जरूरत पड़ता है मास, मास का, जिसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, डैम्पर, डैम्पर मीन्स जो विस्कस, आप लोग देखते होंगे कि क्रेन आजकल यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, मतलब कि क्रेन, और अभी तक 27-25 लोग ऑनलाइन है स्टूडेंट में और 21 मैसेज आया है, तो जो उन लोग अभी तक मैसेज नहीं किए अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में प्लीज मैसेज कीजिए, तब हम अटेंडेंस दे पाएंगे, तब तक फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग का डेली फर्स्ट टाइम मतलब कि इन करने के बाद आप लोग को एनी हाउ आप लोग को अपना रोल नंबर पोस्ट करना है, क्योंकि आप लोग का स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा है, मतलब ज्यादा, मतलब ज्यादा है, तो हम रोल नंबर काउंट करने में 5 मिनट चला जाएगा, इसलिए हम वो उस तरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डैम्पर, डैम्पर, डैम्पर यूज करते हैं जहां पर आपको देखे होंगे कि ये विस्कस वाला जो यूज होता है, जहां पर विस्कस वाला जो हाइड्रोलिक टाइप का यूज होता है ना, दैट इज द डैम्पर, तो वहां पर यूज करते हैं। और एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ट्वेल्थ क्लास में आप लोग मास और स्प्रिंग से रिलेटेड देखे होंगे, मास और स्प्रिंग देखे होंगे, डैम्पर में भी देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, तो ये मैकेनिकल सिस्टम में ये एक है, यहाँ इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एफ से, ये बहुत लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत से बुक में, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है, तो वहाँ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर मैकेनिकल सिस्टम में दो तरह से होता है, अभी एक ट्रांसलेशन, मतलब कि जो, मतलब कि सामने से चल रहा हो, मतलब कि ट्रांसलेशन, मतलब कि एक्स वाई जेड जो भी है वो एक रोटेशनल होता है, जो उसमें कि रोटेट करता है, उसको देखना है, तो रोटेशनल वाला भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। तो सिलेबस में तो मैथमेटिकल मॉडल थोड़ा सा लिखा हुआ है, खाली सिर्फ एक लाइन मैथमेटिकल मॉडल, उसको एलिबरेट नहीं किया हुआ है कि बहुत क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग को पूरा कवर करना होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पूरा, और उसके बाद मैकेनिकल सिस्टम का पूरा, और उससे ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कोई सिस्टम है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन जब तक नहीं फाइंड आउट करेंगे तो हम उसके रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। अगर सिस्टम हमें पता है तब हम कंट्रोलर डिजाइन कर पाएंगे और उसके अनुसार हम लोग आउटपुट इनपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, यहां तक इन्हें कुछ बोलना, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके लिए है ना लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो कुछ कुछ है जो जरूरत पड़ेगा उसको मैं ओवरव्यू एक दे देता हूँ, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो डेल टी इज इक्वल टू जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है, दैट इज द वन यू टी का, आप लोग को पता है, हमको पता है, वन बाई एस सी यू टी का, फिर भी वन बाई एस स्क्वायर, और टी एन यू टी का फैक्टोरियल एन, और एस टू पावर एन प्लस वन, और ई टू पावर माइनस ए टी यू टी का वन बाई एस प्लस ए, और साइन ओमेगा टी यू टी का हो जाएगा ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी यू टी का हो जाएगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये होपफुली आप लोगों को पता था, फिर भी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दिए। अब है आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन भी पता होगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप लोग देखे थे ना कि नहीं, अभी उसको भी वो लोग सिग्नल सिस्टम में आप लोग तो पढ़े होंगे जब रिस्पांस फाइंड आउट करने के लिए था। हेलो, यस सर, है ना, तो एक मतलब कि मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ,
और इसको मतलब कि पूछने का कोशिश करता हूँ, इसका ट्रांसफर फंक्शन आप लोग निकालने का कोशिश कीजिएगा सभी लोग। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 12 डी वाई डी टी प्लस 32 वाई 32 यू टी। इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट हो सकता है? 5 मिनट टाइम देते हैं आप लोग, फाइंड आउट करके बताइए। तो इनिशियल कंडीशन 0 है। हो जाएगा तो बताइएगा सर। डन। क्या जी? हाँ सर, ठीक है, कीजिए कीजिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ पे सिंपल ये सेकंड डिफरेंशिएशन है, एस स्क्वायर वाई एस प्लस 12 एस वाई एस प्लस 32 वाई एस इसका तो 32 यूटी है, यूनिट स्टेप 1 बाय एस। तो वाई एस कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 12 एस प्लस 32 एंड 32 बाय एस। तो वाई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 32 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 12 एस प्लस 32। तो इस तरह से जो ये आउटपुट है दैट इज द आल्सो आपको एस डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन है, क्योंकि आपका इनपुट जो है यूनिट स्टेप है। तो यूनिट स्टेप है तो यहाँ से आपका ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि सबको पता होगा इस तरह करके, मतलब कि आप लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो बोलिए, तब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज इसको मैं स्किप करके चलूंगा।
सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़ा सा। कर दें मतलब कि लैपलास को ना डिफरेंस के लिए। हाँ सर हल्का सा कर दीजिए। भूल भूल गए होंगे फिर। ठीक है 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 ठीक है। देखो मैथमेटिकल मॉडल में तो जैसे कि ये तो सबको याद रखना पड़ेगा। पहले मैथमेटिकल मॉडल का ही कर देते हैं। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉडल देखिए, जो भी सिस्टम है ना जी, जो भी सिस्टम है जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी सिस्टम को, मतलब कि आप नेटवर्क थ्योरी में देखे होंगे कि LCR जो है वहां पर भी आप लोग को भी डीवी बाई डीटी समथिंग करके आता होगा, और करंट में भी डबल डिफरेंशिएशन करके आता होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आता है। तो हम लोग को इसलिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम जब करंट सिस्टम को जब एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को ये सब चीज आना चाहिए और ये जरूरी है। तो इस बेस से हम लोग को थोड़ा सा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर एस डोमेन में है तो टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रिस्पांस फाइंड आउट करने के लिए ये सब चीज थोड़ा सा देखना है। तो इसी में है, इसके लिए आप लोग को लैपलास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, जो कि आप लोग पढ़े हैं उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट इक्वेशन था ये डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर 12 dy by dt प्लस 32 y और 32 ut। तो डबल डिफरेंशिएशन जो होता है उसका लैपलास होता है एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो वाई एस शायद और वाई डैश जीरो, मतलब वन टाइम वाई जीरो और वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ इनिशियल कंडीशन। जब इनिशियल कंडीशन जीरो है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो एस स्क्वायर वाई एस आ जाएगा। अगर इनिशियल वैल्यू कुछ दिया हो रहा था तब आप लोगों को इसमें वैल्यू पुट करना होता। तो इसका लैपलास ये हुआ एस स्क्वायर वाई एस और डी वाई डी टी का हो गया 12 sys और 32 ys वाई का डायरेक्ट वाई एस हो गया और यूटी का 1/s हो गया। यहां से हम लोग वाई एस फाइंड आउट कर लिए। यहां तक इन्हें को समझने में डाउट है तो बोलिए। नहीं तो इसी तरह फिर कुछ और है, मतलब कि एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट ये। ठीक है, मतलब कि इसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आपको लैपलास डोमेन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद एस डोमेन में आ जाएगा। तो बस यही एक पार्ट है। तो और भी जैसे कि मान लो कि आपका मतलब रैंडमली मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये एक है क्वेश्चन में दिया हुआ है xt इज इनपुट एंड yt इज आउटपुट एंड फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी स्क्वायर वाई डी टी dt प्लस 5 dy dt प्लस 6 yt इज इक्वल टू dx
dx dt प्लस 7xt। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है हमें एस डोमेन में। तो क्या होगा, और इनिशियल कंडीशन था आर जीरो, तो यहां पर देखिए इसका डायरेक्टली एस स्क्वायर वाई एस प्लस 5s yy प्लस 6 yy इक्वल टू यहां पर s xs प्लस 7 xs। ठीक है, तो अब जो है यहां से ys कॉमन लीजिए तो s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 और xs कॉमन लीजिए तो s प्लस 7। तो ys अपॉन xs, ys अपॉन xs क्या हो जाएगा जी, s प्लस 7 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह करके आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसमें से आपको थोड़ा सा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस तरह आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहां तक इन्हीं का कुछ डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मैं बढ़ता हूँ, मतलब कि क्वेश्चन आप लोग के लिए देता हूँ, आप लोग इसको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करके हमें बताइएगा। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस आपको फाइंड आउट करना है, जहां पर डी थ्री सी अपॉन डी टी क्यू प्लस 3d² सी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 7dc अपॉन डी टी प्लस 5c इक्वल टू d² आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4dr अपॉन डी टी प्लस 3r। ये आप लोग को सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पोस्ट करना है सबको सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल, तो ये अगर आप सब सॉल्व कर लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आ गया है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद है, टाइम ओवर हो गया लगता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगर किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी भी। ट्वेंटी फाइव प्रेजेंट है जी उसके बाद, लेकिन मैसेज आया 24, जो भी नहीं मैसेज किए अभी तक मैसेज कर दीजिए रोल नंबर चैट बॉक्स में। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट आप लोग इसका जो सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन दिया हूं उसको पोस्ट कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं चेक करूंगा, और नेक्स्ट कल नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन